अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग ज़मीन के बारे में है। मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि हम कपास के फसल को किस तरह खाद देते हैं। अब दोस्तों, हमने यूरिया खाद ले ली है शहर से लेके आए, क्योंकि पिछली बार एनपी दी थी, तो अब इसे यूरिया देंगे ताकि वो कच करे। अब दोस्तों, ये जो किसान है वो उसी एकड़ पे ये खाद लेके चलेगा जहाँ पे इसे स्प्रेड करनी है, मतलब उसी एकड़ पे ले जाएगा यहाँ पे इसे स्प्रेड करनी है। इसी दौरान मैं आपको कुछ मेरी ज़मीन का व्यू भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कुछ दरख्त हैं, और ये जो ज़मीन है कपास की ज़मीन है, इसमें क्योंकि पौधे अभी छोटे हुए हैं, आगे जो एकड़ जिस पे हमें खाद स्प्रे करनी है वो पहले लगाया गया था, पहले उसे सो किया गया था, तो वो जो है दरख्त बड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैं। इसे हम यूरिया देंगे, और क्योंकि आज मंडे का दिन है तो इसी दिन हमारी टर्न होती है पानी देने की, और हर गांव वालों की हर हफ्ते में एक बार टर्न आती है। हमारा जो पानी का टर्न है वो 10:30 बजे से शुरू होता है तकरीबन 5 बजे तक। तो इसे खाद देकर फिर हम बाद में इसे पानी देंगे, और उसके बाद ना ये कच करेगा, और कच करके जो इसके गोगड़ू होते हैं, पता नहीं आपकी ज़बान में उसे क्या कहते हैं, लेकिन हम सराई की ज़बान में इसे गोगड़ू कहा जाता है, वो बड़े होंगे और जो वो गोगड़ू हैं वो ज़्यादा उठाएगी इस खाद के बाद। दोस्तों, हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो गाँव की लाइफ पेश करना, गाँव की जो किस तरह वो रहते हैं, गाँव के कस्टम किस तरह हैं, वो खेतों को किस तरह संभालते हैं। तो मैंने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए जिसमें व्लॉग के थ्रू आपको गाँव की जो लाइफ है वो समझाई जाए, या उसके बारे में ज़्यादा मालूमात दी जाए।